वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तथा हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन एंड यूपीआई आईडी का लिंक तथा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आप मेरी बातों को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लें चाहे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरी जो बातें हैं वो सभी न्यूट्रल होती हैं, राइट, इन्फॉर्मेटिव होती है। मतलब मैं किसी भी बात को ना कभी भी हवा में करने का आदि नहीं हूँ। यदि मैं किसी बात को बोल रहा हूँ तो मेरे पास उसके तथ्य हैं। यदि मैं किसी नॉलेज को आपको दे रहा हूँ तो उस नॉलेज का सोर्स है मेरे पास। हवा में कभी कुछ नहीं बोलता, राइट। आप सभी को पता है हाइपरवर्स में काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे इशू चल रहे हैं। पहले हाइपर फंड को लेकर इशू थे जिसकी वजह से इन्होंने नाम बदला और मेटावर्स का एक चूर्ण चटाया आप लोगों को, ठीक है। मोटिवेशन का चूर्ण था, आप लोगों ने चाट लिया कि आप लोगों की प्रॉब्लम यह है कि आपको वो बातें चाहिए जो कि आपके फेवर में हो। मतलब आपको पूरा का पूरा एक फेवरेबल माहौल चाहिए, चाहे उसमें आपका दम ही क्यों ना घुट जाए, राइट। तो आप लोगों ने वो मोटिवेशन का चूर्ण चाटा और उस मेटावर्स में आप उलझ गए, जबकि एक्चुअल में अभी वहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। वो नाम क्यों चेंज हुआ वो एक अलग कहानी है, क्योंकि ये लोग स्कैम कर रहे थे, ओके। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, पहले KYC को लेकर इशू था, दो दो महीने तक लोगों की KYC अटकी पड़ी थी, ठीक है। अब क्या है, प्रेजेंट टाइम में विड्रॉल को लेकर इशू है। इशू क्या है, या तो पेंडिंग में जा रहे हैं विड्रॉल या फिर विड्रॉल फेल हो रहे हैं। अब इसके पीछे जो अपलाइन है, इनके अपलाइन कौन, वही गद्दार, वही स्कैमर लोग जो कि गरीब लोगों का बेचारों का पैसा लगवा रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अपग्रेड का काम चल रहा है 3x से 4x में, तो इसलिए विड्रॉल फेल हो रहे हैं। और बहुत से तो ऐसे भी हैं स्कैमर, वही जिन्हें आप अपलाइन कहते हैं, बहुत से तो ऐसे भी है जो कि ये कह रहे हैं कि अभी 8-10 तारीख तक विड्रॉल मत लगाओ, उसके बाद लगाना, क्योंकि अभी लगाओगे तो फेल हो जाएगा क्योंकि अपग्रेड का काम चल रहा है, राइट। अब ये मोटा मोटी वो जानकारी है जो कि आप सभी तक पहुंच रही है, राइट। यदि आप उस गंजे के ग्रुप में भी है ना, तो गंजा भी इससे ऊपर की कोई जानकारी आपको नहीं दे रहा, और एक वक्त के बाद आपको तो पता ही है वो हाथ खड़े कर लेता है, राइट। लेकिन इसके और अंदर की यदि आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको हिंट बता देता हूँ। हालांकि इसको लेकर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे बोल के बता दूंगा तो हो सकता है या तो आप विश्वास ना करें या फिर आपको बात समझना हो कि व्यक्ति ऐसे कैसे बोल के जा रहा है, राइट। आप सभी को पता है कि जब आपने प्रेजेंटेशन देखी थी पैसा लगाने से पहले, तो आपको बैकबोन में क्या बताया गया था कि इनके पास पहले से चार कंपनियाँ, राइट। और आपको ये भी बताया था कि मूवी बन चुकी है इनके ऊपर, ठीक है, बाकी आप विकिपीडिया में पढ़ो वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। उन्हीं में से जो पहली कंपनी आपको बताई जाती है ब्लॉकचेन ग्लोबल। अभी मैं आपको मोटा मोटी आइडिया बता रहा हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। एक्चुअल में उसकी जो प्रूफ है ना, मैं जब अपने सिस्टम पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा आपको लाइव, ठीक है। तो वो जो ब्लॉकचेन ग्लोबल है उसके ऊपर एक केस चल रहा था, ठीक है। अब उस केस का क्या हुआ, यदि आपको वो पढ़ना है तो मैं PDF जो है वो अपने ग्रुप में डाल दूंगा। कौन से ग्रुप में, टेलीग्राम में, फाइट अगेंस्ट फेक मार्केटिंग। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप मेरा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ब्लॉकचेन ग्लोबल के साथ आखिर चल क्या रहा था। हालांकि ये बात आपके सीनियर ने नहीं बताई होगी आपको, जिस व्यक्ति ने पैसा लगवाया उसने ये तो बताया होगा कि ब्लॉकचेन ग्लोबल, लेकिन ये नहीं बताया कि ब्लॉकचेन ग्लोबल के साथ आखिर हुआ क्या, राइट। और अभी काफ़ी लंबे समय से ब्लॉकचेन ग्लोबल की वेबसाइट काम नहीं कर रही, ठीक है। इसके अलावा एक और कंपनी बताई जाती थी HCash, ठीक है, BW.com। इन सभी की भी जो कार्य प्रणाली है वो काफ़ी हद तक रुकी हुई है। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर दिखाऊंगा, ठीक है। इनके जो सोशल मीडिया हैंडल हैं इन कंपनियों के, उन पर एक्टिविटी नहीं है काफ़ी दिनों से। मुझे नहीं पता आप लोग वो जो चार कंपनियां आपको दिखाई जाती है उनके बारे में कुछ सर्च करते भी हो या फिर नहीं करते। इवन ब्लॉकचेन ग्लोबल के बारे में जो आर्टिकल लिखा गया विकिपीडिया पे, उसे 3600 बार एडिट कर दिया गया अभी तक। मतलब उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो व्यक्ति जो आपको दिखाते थे ना कि देखो विकिपीडिया पे पढ़ो, उनसे बोलो अब एक गधो, ये एडिट इतनी बार है, इसको तो मैं एडिट करके कुछ भी लिख दूँ तो क्या मान लोगे। तो दोस्तों, ये जो आपको बताई जा रही है ना, ये ऊपर से बातें बताई जा रही हैं, एक्चुअली अंदर में बहुत कुछ हो चुका है। यदि आप ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर का लिंक मुझसे मांगेंगे ना, तो मैं दे दूंगा आपको, अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में ये बातें छप चुकी हैं कि इन्होंने मिलियंस डॉलर का स्कैम कर दिया है। किसने, इन्हीं लोगों ने जो ये हाइपरवर्स के खुद को फाउंडर बताते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में घोटाला हो चुका है और ये न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, लेकिन भारत में कोई नहीं बता रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको मोटिवेशन का चूर्ण चटाना है इन लोगों को। तो दोस्तों, एक्चुअल में आधे से ज़्यादा स्कैम हो चुका है। अब ये जो चल रहा है ना, मे बी पॉसिबल, मुझे नहीं पता इनके पास पैसा खत्म हो रहा है कि क्या है क्या नहीं है, क्यों मतलब जो आपका विड्रॉल है वो फेल हो रहा है। देखो, अपग्रेड की वजह से फेल हो रहा है ये बहाना है, सीधी सी बात बताऊँ। और इनको अपग्रेड करना ही था, यदि सबका ही करना था, क्योंकि कोई क्रेडिबिलिटी तो बची नहीं इनकी।
इन्होंने 3x का आपको प्लान चिपकाया जिसमें कि प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल रहा था, उसके बाद इन्होंने बोला नहीं नहीं अब तो आपको 4x का ही लेना पड़ेगा, और ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती करना था तो सबका एक साथ ही कर देते। ये मतलब अपग्रेड का जो इन्होंने ड्रामा रचा है इसकी क्या ज़रूरत थी, जब आपको खुद ही करना था तो पहले कर देते, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि अब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आप इसमें कर क्या सकते हैं, आप ये समझिए, जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लगवाया आप उसका आधार कार्ड उसका पैन कार्ड उससे मांगिए, उसके घर का एड्रेस मांगिए, ठीक है। और यदि ज़्यादा रुपया लगवाया है तो आप वो सारे मैसेज वो सारी डिटेल निकालिए, यूट्यूब से वो सारी वीडियो डाउनलोड कीजिए जो आपसे ओवर प्रॉमिस कर रहे थे, ठीक है, आपको लखपति करोड़पति बनाने के सपने दिखा रहे थे, और उसके बाद आपके साथ जो भी हुआ उसको एक पेपर पे लिखिए, पॉसिबल हो तो टाइप करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक पेन ड्राइव में वो सारा मटेरियल भर के आप कंज्यूमर फोरम चले जाइए, कोई खास खर्चा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि कुछ हो जाए, और कल को जैसा ब्लॉकचेन ग्लोबल के साथ हुआ, जैसे इनकी जो अदर वो 3 कंपनी जिनके मैंने आपको बताया कि मामले काफ़ी हद तक ठंडे पड़ चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि इसके हाइपरवर्स के साथ हो और आप सभी का पैसा डूबे। तो इससे पहले डूबे, इससे पहले आप काम स्टार्ट कर दो, ठीक है, आप कार्यवाही स्टार्ट कर दो। मे बी पॉसिबल प्रेशर पड़े तो पैसा निकल जाए। और एक बात, वो जो गंजा वहाँ पे बैठ के सेमिनार दे रहा है ना, वो नहीं आएगा आपको पैसा रिटर्न करने, वो प्रोफेशनल स्कैमर है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो ऑनलाइन जाके। तो दोस्तों साथियों अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अपना पैसा निकाल लो, ठीक है। बाकी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है आप उसको ज़रूर देखें, जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना वो बातें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा वहाँ पर। बाकी वीडियो भी आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जिनका गरीबों का बेचारा पैसा इसमें डूबा पड़ा है। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।